हेलो फ्रेंड्स मु आपण मानको स्वागत करूची वर्ल्ड ऑफ फैक्टेज रो आउ एक नुवा वीडियो को। सो फ्रेंड्स आजरो वीडियो विषय रे मु तो आपण मानको जापान पार्ट 2 वीडियो रे जणै देथिली। जदी आपण माने वर्तमान जाय जापान पार्ट 2 वीडियो टी देखिनांती तबे आई बटन ने प्रेस करी पार्ट 2 वीडियो टी देखिनियंतु। आजरो वीडियो टी बहुत इंटरेस्टिंग हेबा को जाउची तेनो देरी न करी चालंतु स्टार्ट करबा आजरो वीडियो। सो फ्रेंड्स जदि आमे साधु संत किबा मंदिर रे बसीथिबा पुजारी को एहा पचारीबा कि भगवान के तो से उत्तर रे एहा कहिबे जे भगवान हेउचंती सेही सर्वशक्तिमान अलौकिक शक्ति जे ए विश्व ब्रह्मांड रे रचना करिचंती। से हेउचंती अद्वितीय निराकार जहा को केबे सृष्टि करा जाई परिबो नाही कि जहा को केबे विनाश करा जाई परिबो नाही। तांको द्वारा ए विशाल ब्रह्मांड रो आरंभ होईछि। जदि समान कथा आमे एक वैज्ञानिक को पचारीबा कि पृथ्वी रो सृष्टि किपरि होईछि तो से उत्तर रे एया कहिबे जे पृथ्वी रो सृष्टि एक एपरी एनर्जी रो हेछि जहा को कि केबे विनाश करा जाई परिबो नाही कि जहा को केबे सृष्टि मध्ये करा जाई परिबो नाही। सो फ्रेंड्स इंट्रो सुनी आपण तो जानी परुथिबे आजरो वीडियो टी गॉड को ऊपर अबार अछि। सो आजरो वीडियो रे आमे जानिबा जापान ने पूजा पाउथिबा किछि ठाकुर जहा कि इंडिया रे मध्ये पूजा पांती। तो प्रथम हेउचंती माँ सरस्वती देवी जहांकु इंडिया रे शिक्षा ज्ञान एवं संगीतर देवी रूपे पूजा करा जाय थाए। जापान रो लोक माने मध्ये माँ सरस्वती को पूजा करिथांती किंतु जापान ने माँ सरस्वती नाम बेंजाइतेन सामा। जापान ने 200 रु अधिक मंदिर रे माँ सरस्वती पूजा पाइथांती। बेंजाइतेन सामा देवी हाथ रे थिबा वीणा एहा दर्शाई थाए जे एहा हेउचंती माँ सरस्वती। जापान ने माँ सरस्वती को जल समय संगीत एवं ज्ञानर देवी रूपे पूजा करा जाय थाए। सिंटो धर्म एहा कही थाए जे माँ सरस्वती जीवजंतु प्रकृति एवं पूरा ब्रह्मांडर रचना करिचंती। बेंजाइतेन सामा देवी समग्र जापान रक्षाकारिणी बोली जापान लोक माने विश्वास करिथांती। नंबर रे होचंती श्री गणेश। भारतीय लोक माने कोनोसी शुभ कार्य करिबा पूर्वरु विघ्न विनाशय श्री गणेशंकु पूजा करिथांती। सेही परि भाबे जापान न लोक माने मध्य श्री गणेशंकु पूजा करिथांती किंतु जापान ने श्री गणेशंकर नाम होची कांगाइतेन। जापान न हजार वर्ष तळर मंदिर रे मध्य गणेशंकर मूर्ति रहिछ। जापान ने समुदाय 250 टी गणेश मंदिर रहिछ। जापान न ओसाका ठारे थिबा गणेश मंदिर रे सबुठारु अधिक भक्तक भीड़ लागिथाय। जापान ने श्री गणेशंकु समृद्धि बा प्रॉस्पेरिटी रो देवता रूपे पूजा करा जाय। नंबर 3 रे होचंती यमराज जहांकु जापान ने एमातेन नामरे पूजा करा जाय। यमराज को तो आमे समस्त जानिचे यमराज मृत्यु परे शरीर रु आत्मा को काढ़ी नहीं थांती। सही व्यक्ति जीवन काल मध्य रे करिथिबा भूल ला शास्ति मध्य देइथांती। सेहीपरि भाबे जापान ने एमातेन को मनीष आत्मार राजा बा जज बोली कह जायथाय। मान लोक एहा विश्वास करिथांती जे एमातेन को भौणी महिला मानक आत्मार विचार करिथांती एवं एमातेन निजे पुरुष मानक आत्मार विचार करिथांती। नंबर 4 रे हेउचंती माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी को जापान ने किची जोतेन नाम रे जणा जायथाय। एठारे माँ लक्ष्मी को फर्टिलिटी लक बा योग्यता ब्यूटी बा सुंदरतार देवी रूपे पूजा करा जाय थाए। नंबर 5 रे हेउचंती भगवान शिव बा दाई कोकुतेन। जापान ने भगवान शिव को दाई कोकुतेन नाम रे पूजा करा जाय। भारतीय माने जेपरी भावे भगवान शिव को पूजा अर्चना करिथांती जापान रो लोक माने मध्य ठीक सेही परी भावरे एक भिन्न नाम एवं भिन्न चेहरा रे भगवान शिव को पूजा करिथांती। जापान रो लोक भगवान शिव को सर्वशक्तिमान बोली मानिथांती। जापान ने भगवान शिव को मंदिर बहु प्रसिद्ध अटे एवं जापान रो लोक माने भगवान शिव को द ग्रेट ब्लैक बा महाकाल नाम रे जानिथांती। କିଛି ଜାପାନ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଦାଇ କୋକୁତେନ ହେଉଛନ୍ତି ଜାପାନର ଭଗବାନ। କାରଣ ଭାରତୀୟମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତାରଣକର୍ତ୍ତା ମାନୁଥିବା ବେଳେ ଜାପାନରେ ଦାଇ କୋକୁତେନକୁ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଭାରତରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦାଇ କୋକୁତେନ ଏକ ହସମୁଖ ଭଗବାନ ଯାହାକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଦାଇ କୋକୁତେନ ଏକ ହସମୁଖ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସୁନା ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବା ଥଳୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ହାତୁଡ଼ି ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ଜାପାନୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦାଇ କୋକୁତେନ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ମହାକାଲ।
ନମ୍ବର 6ରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା, ଯାହାଙ୍କ ନାଭିମଣ୍ଡଳରୁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ପୁଷ୍କରଠାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜାପାନରେ ବନ୍ଟେନ୍ ନାମରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗୁରୁ। ଜାପାନରେ ବଣ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜା ବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାପାନର ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହିପରି 20ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଠାକୁର ଜାପାନରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ତ ଥିଲା ଜାପାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।